क्वेश्चन नंबर 13 और 12 में क्या डिफरेंस है बताता हूं, कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ही बताऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 12 और 13 में सेम नोट्स दिया हुआ बता रहा हूं आपको, ठीक है। नोट्स इधर देखना, नोट्स हमारा है एप्लीकेशन 30 रुपए, अलॉटमेंट 50 रुपए, ठीक है। हमारे जो डिवेंचर है, हमारे एक डिवेंचर की वैल्यू है 100 रुपए, 100 रुपए में 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, 10% डिस्काउंट है, तो कितना हो गया 10 रुपए, बचा कितना 90 रुपए, ठीक है। एक डिवेंचर की वैल्यू ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के हिसाब से बताता हूँ, फिर 13 के हिसाब से ये हो गया 30 रुपए, अलॉटमेंट 50 रुपए, तो फर्स्ट कॉल का कितना आएगा, फर्स्ट कॉल का 10 रुपए लिखेंगे तब जाके हो जाएगा ये 90 रुपीज, ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के हिसाब से हमारा इस तरह से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 13 के हिसाब से, ठीक है। इसमें हम लोग 10 रुपए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 60 रुपए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था देखना, क्वेश्चन नंबर 12 में कैसा बना था बता रहा हूं, यही था क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा था एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए में 10% डिस्काउंट माइनस किए थे, 10% डिस्काउंट माइनस कर दिए थे 10 रुपए, से आ गया 90 रुपीज। एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 50 दिया था, फर्स्ट कॉल में कितना लिखूं मैं, हमें यहां लिखा था अलॉटमेंट 50 रुपए, इसमें 10 रुपए जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। तो मैं 10 रुपए डिस्काउंट का जोड़ के कितना हो जाएगा ये 10 रुपए जुड़ा हुआ है, अगर मैं डिस्काउंट का 10 रुपए अलग करूं तो अलॉटमेंट कितना आएगा 40 रुपए, ठीक है। ये 20, 30 का 30, 20 का 20, तब हो जाएगा ये 100 रुपए, 10 रुपए और ये 90 रुपए। यहाँ पे अलॉटमेंट 50 है, यहाँ पे भी 50 दिख रहा है, और यहाँ 50 10 60 लिखा मैंने, यहाँ 50 माइनस 10 40 लिखा है। यहाँ पे अलॉटमेंट में क्या बोला स्पेशली क्वेश्चन में, आवंटन में बट्टा राशि शामिल है, और बाकी किसी क्वेश्चन में भी नहीं बोलता, 10 में भी नहीं बोला था, 11 में भी नहीं बोला, 13 में भी नहीं बोला है, पर क्वेश्चन नंबर 12 में स्पेशली क्या बोला है, इसमें बट्टा राशि जुड़ा हुआ है, बट्टा राशि अगर माइनस करें तो अलॉटमेंट कितना आएगा 40 रुपए आएगा। तो ये दोनों का अंतर दिख रहा है क्लियर, यहाँ 10 लिखा है बैलेंस, यहाँ 10 बैलेंस 20 लिखा है, अमाउंट सेम था, ये अंतर है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और जर्नल एंट्री बना देता हूँ, ठीक है। जर्नल ऑफ क्वेश्चन 13 लिखा समता लिमिटेड, समता लिमिटेड, ठीक है। डेट पार्टिकुलर रिजर्व फुली डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट लिख लेना आप लोग, ठीक है। पहला एंट्री जो हम लोग हमेशा की तरह करते हैं 6% डिवेंचर का है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, ठीक है। कितना डिवेंचर है इस क्वेश्चन में, 2000 डिवेंचर का एप्लीकेशन कितना 30 रुपए, 30 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए, 60,000 रुपए, ठीक है। दूसरा एंट्री जो 6% डिवेंचर का पैसा है, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। 6% हमारा डिवेंचर अकाउंट हो गया, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर, एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर,
ठीक है, ये 60,000 रुपये है और 60,000 रुपये, ठीक है। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का, जैसे कि वैसे डिस्काउंट के साथ 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के साथ लिखिए उसको, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। हमारा अलॉटमेंट है 50 रुपये, ठीक है, 2000 डिवेंचर का अलॉटमेंट कितना है 50 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये डिस्काउंट, 2000 डिवेंचर का 10 रुपये डिस्काउंट, टोटल आ जाएगा 60 रुपये, 2000 डिवेंचर का 60 रुपये के हिसाब से, तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर 1,00,000 रुपये है, 2×10 20,000 रुपये है, अरे आ जाएगा 1,20,000 रुपये, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, तो जितना पैसा है 1,00,000 रुपये, ये पूरा 1,00,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है।